हेलो, वेलकम टू माय चैनल जेबडी ऑर्बिट। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय है कि खाना खाने के बाद सेक्स करने से क्या होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइए। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि हर एक पॉइंट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जान सकें और इसका जो है आप पर पॉजिटिव असर हो और आप हेल्दी रहें। दोस्तों, किसी भी रिलेशन, खासकर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसमें सेक्स करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और भावनात्मक रूप से और ज़्यादा करीब आने के लिए। सेक्स करना जो है महत्वपूर्ण होता है और ख़ासकर जो है संतान उत्पत्ति के लिए। सेक्स आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो सेक्स करने का समय कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ शोध में मालूम हुआ है कि अगर पार्टनर्स सुबह के समय सेक्स करते हैं तो ये अच्छा होता है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि खाना खाने के बाद सेक्स करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो का प्रश्न है कि खाना खाने के बाद सेक्स करने से क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद सेक्स। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिए नहीं। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खाना खाने के बाद सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट का मानना है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर पाचन क्रिया को शुरू कर देता है, यानी जो हमने खाया है उसे पचाने की क्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसमें खून का प्रवाह तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे समय पर अगर आप सेक्स करेंगे तो इसका सीधा असर आपकी पाचन क्रिया पर पड़ेगा। ऐसे में आपका पाचन गड़बड़ा सकता है। दोस्तों, ऐसे में आप तुरंत खाना खाने के बाद सेक्स ना करें। जैसे डॉक्टर हमेशा ये सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने में बहुत सारा एनर्जी जो है वेस्ट होता है। उसी तरह से सेक्स करने में भी शरीर का एनर्जी जो है बहुत सारा वेस्ट होता है और जो है शरीर का बहुत सारा ऊर्जा लगता है। ये भी एक तरह का एक्सरसाइज ही माना जाता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों की ऊर्जा लगती है। ख़ासकर पुरुष को सेक्स करते समय अधिक ऊर्जा का प्रयोग करना होता है, इसलिए खाना खाने के बाद सेक्स करने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद सेक्स करने का मन भी नहीं करता, यानी सेक्स इच्छा भी उस समय कम होती है। अगर एक पार्टनर ने खाना पहले खा लिया है और दूसरे पार्टनर ने उसी समय खाना खाया है तो एक पार्टनर का मन तुरंत सेक्स करने का नहीं करेगा, लेकिन ये पार्टनर जिसने खाना पहले खा लिया है उसका मन सेक्स करने का कर सकता है। ऐसे में आपके सामने ये अजीब हालत है और अजीब अवस्था जो है आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए। आप उनसे कह सकते हैं कि हम कुछ समय बाद सेक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सेक्स करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी जो है अच्छा नहीं होगा और एनर्जी लेवल भी आपका डाउन हो जाएगा। आपको पूरी तरह संतुष्टि भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, ना ही आपकी पार्टनर को वो सुख प्राप्त होगा जो वो आपसे हमेशा चाहती है। आप खाना खाने के बाद सेक्स तो
कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप किसी और में कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात कि सेक्स करने से पहले आपको भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन सेक्स करने के बाद आप कुछ पौष्टिक चीज़ें ले सकते हैं। सेक्स करने के बाद लोगों को भूख भी लगती है, ऐसे में आप एनर्जी ड्रिंक, जूस वगैरह जो है इस तरह का ले सकते हैं, और ऐसे में आप कुछ खा सकते हैं। सेक्स के बाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि सेक्स के पहले खाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें खाना खाने के बाद सेक्स करने से क्या होता है इस विषय पर। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो इसी तरह का होता है और हेल्थ रिगार्डिंग होता है, और इसमें जो है हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारे जो है एरिया को कवर करते हैं, ताकि हम और हमारा समाज हेल्दी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।